खाता धारक घर पर और खाता धारक का पैसा बैंक से बाहर। तहसील जलालाबाद के अंतर्गत बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक जो कि शाखा जरीनपुर में चल रही है, जिसका एक बहुत ही अच्छा कारनामा सामने आया है। जैसे कि आपको बताएं, रामबेटी निवासी ग्राम सुलेमानपुर पट्टी, जिनका खाता बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा जरीनपुर में है, बहुत पहले से चल रहा, जिसमें 47,828 मौजूद पैसा था और जो राम बेटी के घर पर कुछ पैसे की आवश्यकता पड़ने पर राम बेटी ने नजदीकी जनसेवा केंद्र पर अपना अकाउंट चेक किया। अकाउंट में 25,000 कैश निकल गया था, जो जनसेवा के केंद्र के मालिक विनोद कुमार ने राम बेटी को बैंक में जानकारी लेने के लिए कहा, जो राम बेटी बहुत परेशान और गरीब स्थिति के कारण भयभीत हो गई। जब बैंक में जाकर राम बेटी ने जानकारी ली तो मैनेजर अनुराग कटियार और कैशियर नरेंद्र शर्मा के द्वारा दी गई जानकारी में बताया कि आपका पैसा विड्रॉल द्वारा निकाला गया, जो राम बेटी के घर पर पहुंचकर दो दिन के बाद जनसेवा केंद्र पर जब दोबारा अपना खाता चेक किया गया तो खाते से 22,500 रुपए निकाले गए, जिसमें राम बेटी बहुत ही भयभीत हो गई, जो विनोद को अपने साथ बैंक के मैनेजर के पास पहुंची। जब राम बेटी के पैसे निकलने की जानकारी मैनेजर से लेनी चाहिए तो मैनेजर ने विनोद के ऊपर पैसे निकालने का आरोप लगा दिया और थाना मिर्जापुर पुलिस को सूचना देकर जनसेवा केंद्र के मालिक विनोद कुमार को पुलिस ने हिरासत में लेकर 4 घंटे तक अपने कस्टडी में रखा और बैंक मैनेजर के द्वारा लगाया गया आरोप जनसेवा केंद्र के मालिक के ऊपर बिल्कुल निराधार था, जिसके बाद बैंक मैनेजर ने स्वयं राम बेटी के खाते में पैसा डाल दिया और घर जाकर राजीनामा ले लिया, जिसके बाद जनसेवा केंद्र मालिक को छोड़ दिया गया। और इससे ज्ञात होता है कि गरीब अशिक्षित लोगों को समझकर उनका शोषण किया जाता है। बैंक कर्मचारियों के मिलीभगत से अशिक्षित और गरीब लोगों को गुमराह किया जाता है। जनसेवा केंद्र के मालिक विनोद कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सभी प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन करता हूं कि इस प्रकरण की बारीकी से जांच की जाए और उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए, हमें मानहानि पहुंची है। समाचार जी, बैंक को जाओ, तुम्हारी नई किताब तुम्हें मिलेगी, पुरानी तुम्हारी जमा हो जाएगी। हाँ। उधर बताओ जाके, फिर मैं उधर भाग के गई, बीच में संडे पर गया, तीसरे दिन पहुंची तो बाबूजी बोले कि तुम्हारा 25,000 लेकर गए तो तुम आ नहीं पाई, तुमने नहीं जानी, और तो 20,000 तो बच जाते। तो हमने कही बाबूजी मेरे लड़के नहीं थे, बाहर काम पे थे, तो हम कैसे बुला पाते। अच्छा, बैंक मैनेजर ने ये बताया कि 25,000 निकल गए। हाँ, 25,000 लेकर गई है, और फिर ये भी बताया कि 22,500 वो भी लेकर गई है। तो माता जी, ये निकले कैसे? पूछो जी माता जी। फिर बैंक बोला कि इधर से लिख रहे, बैंक से निकले, बैंक से लिख रहे। आप बैंक में गई नहीं? बैंक में हम नहीं गए। फिर पैसे निकल गए? अंगूठा लग के पैसा लिख गया, विड्रॉल भर के लिख गया पैसा। अच्छा, हम गए नहीं। आप गई भी नहीं? हम नहीं गए। उसके बाद में ये बताइए माता जी, आपने कहा नहीं कि ये पैसे निकल कैसे गए जब हम नहीं आए? हमने बोला कैसे लिख गए बाबू जी, कहीं तुम आई, हमने कहा नहीं आए, कहीं आई, हमने नहीं आए, कहीं विड्रॉल भर के लिख रहे, हमने कही कैसे लिख रहे, हम नहीं आए, हमारी तुम्हारे पास किताब नहीं पहुंची तो कैसे तुमने लिखा दिया। अच्छा, इसके बाद में फिर क्या हुआ, पैसे आपके मिल पाए नहीं? फिर पैसे मिल गए, पैसे मिले। बैंक वाले ने बोला कि हमारे ऊपर हमारी लाग हो गई, हमारी गलतियाँ हो गई। हाँ। और पैसा तुम्हारा आ जाएगा। फिर पैसा डाल दिया गया, फिर मेरे खाते में पैसा आया। अच्छा, अच्छा। हाँ, मैं लिखा भी लाई। उसके बाद हाँ। फिर क्या हुआ? फिर कहना मेरा 2,700 रुपए रह गए। जी माता जी, फिर क्या हुआ? फिर हुआ जब बात को आए, कतई शाम हो गई, दिन मुझ गया जी। तब फिर 3 जने साथ में थे जी, तो बोले कि राजीनामा, एक जना मैं लड़का ले गई थी बामनों का। हाँ। तो उनने विड्रॉल भरी थी जी। उनको लिबा के लाए। हाँ। तो दूसरे जने और नन्ने आ गए, तो कई गवाही में तुम भी दस्तखत कर दो। हाँ। तो उनने भी कर दिया। हाँ। और फिर इन्हें के माता जी अंगूठा लगा दो। हाँ। हमें पता नहीं, मेरे बच्चे घर नहीं थे। हाँ। और हमें कोई खबर नहीं पड़ी, नहीं लिखी, नहीं, हमने अंगूठा भी लगा दिया बाबू जी। अच्छा, राजीनामा कर दिया तुमने? राजीनामा कर दिया। वैसे आप राजीनामा करने को थी नहीं क्या? राजीनामा कर दिया हमने, नहीं करने को थी नहीं, जब नहीं मेरे मिलते तो मैं तो कर दी रहती। अच्छी है, आपके साथ हुआ है, कल किसी दूसरे के पास साथ भी हो सकता है और आगे आपके साथ फिर हो सकता है। ये बैंक कर्मचारियों की बहुत बड़ी भूल है और मतलब इन्होंने गड़बड़ करके पैसा निकाला ही है। जी, आपका नाम? विनोद कुमार। जी सर, ये बताइए, जो सुलेमानपुर पट्टी की रहने वाली जो ग्रामीण राम बेटी हैं, उनके खाते से, उनका खाता जो बड़ौदा उत्तर पश्चिमी ग्रामीण बैंक में है जगीनपुर में, तो उनके खाते से जो पैसा लेन देन हुआ, निकला गया बैंक के द्वारा निकाला गया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो हमारे यहाँ राम बेटी 23 तारीख को उन्होंने 2020 रुपए निकाले थे जी। उस समय उनके खाते में 40,000 रुपए से ऊपर थे जी। एक दिन वो और आई, जब उन्होंने खाता चेक कराया तो उसमें 22,000
300 से कुछ ऊपर रुपए रह गए थे, 28 या 58 ऐसा कुछ था। तो उन्होंने पूछा कि ये पैसे बाकी कहाँ गए, तो हमने कहा कि वो आप बैंक में स्टेटमेंट निकलवाइए या नई किताब छपवा लो जी, छपी हुई किताब जिसमें सारा रिकॉर्ड आ जाएगा जी। जब बैंक गई तो उन्हें पता चला कि उनके खाते में केवल 210 रुपए रह गए, 22,500 रुपए वो भी निकाले जा चुके थे तब तक जी। जब हम उनको साथ लेकर गए, जानकारी चाहे कि ये कैसे हुआ ये सब कुछ, तो उन्होंने जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँचा तो सीधे मैनेजर ने और कैशियर ने मुझ पर आरोप लगाते हुए कहा कि आपने ही पैसे निकाले हैं और भाई विड्रॉल पैसे निकले हुए हैं, और मुझसे एक विड्रॉल भी भरवाया जिसमें मेरी राइटिंग मैच नहीं खा रही थी, फिर भी ये दबाव बनाया कि आप ये कहें कि ये आपकी ही राइटिंग है, और काफ़ी दबाव बनाया कि आप ये मान लें कि आपने ही पैसे निकाले हैं, जबकि पैसे मैनेजर और कैशियर और किसी थर्ड पर्सन के द्वारा बैंक से बाहर दिए गए हैं जी। किसी को भी अच्छा ये बताइए, मतलब जो महिला वो हमसे बोल रही थी कि हम बैंक में गए भी नहीं और पैसे निकल गए, तो ऐसा तो नहीं होता है, बैंक का नियम ऐसा नहीं होता कि जो खाता धारक है वो अगर बैंक में ना जाए और उसका पैसा निकल जाए, ऐसा तो नहीं होता है। बैंक मैनेजर और कैशियर की मिली भगत से सब कुछ हुआ और तुरंत एक आ गया कि ये पैसे मेरे द्वारा निकाले गए। अच्छा, आप पे आरोप लगाया? हाँ, सीधा सीधा आरोप यही लगाया कि राइटिंग मैच आपकी करती है। राइटिंग मैच करती है और आपका हम सीसीटीवी फुटेज भी दिखाएंगे, तो हमने कहा कि सीसीटीवी फुटेज दिखाइए। इस पर तुरंत उन्होंने एक्शन लेते हुए पुलिस को बुला लिया और मुझे गिरफ्तार करवा दिया, और काफ़ी कहा मैंने कि मेरी राइटिंग मैच जो भी है विड्रॉल वो मुझे दिखाइए, और जो सीसीटीवी कैमरा आपके यहाँ लगा हुआ है वो हमें दिखाइए, अगर मेरा फोटो उसमें आ रहा है तो मैं पैसा देने को तैयार हूँ। और काफ़ी मेरी बेइज्जती करते हुए उन्होंने 4 घंटे तक पुलिस रिमांड में आने में रखा, और जब मेरे एक साथी ने कह दिया कि वो विड्रॉल दिखाने के लिए, तो उन्होंने उस पर भी बहुत दबाव बनाया और उसे भी बहुत परेशान और जलील किया जी। धन्यवाद।